अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। आज हम जा रहे हैं दुबई डेजर्ट सफारी के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंस इन दुबई। हमने जो पैकेज लिया था उसमें घर से पिक एंड ड्रॉप इंक्लूडेड था। इसके अलावा कुछ पैकेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें वो पिक एंड ड्रॉप नहीं देते, आपको डायरेक्टली वहाँ स्पॉट पे जाना होता है और वहाँ से फर्दर आप आगे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकते हैं। जब हम वहाँ कैंप पे पहुँचे तो वहाँ बहुत रौनक थी। वहाँ पे क्वाड बाइक्स भी अवेलेबल थे, बट क्वाड बाइक्स जो हैं वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होते, उसकी आपको पेमेंट अलग से करनी पड़ती है। कैंप में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम गए ड्यून बैशिंग के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ड्यून बैशिंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ डेजर्ट सफारी। इतना एक्साइटिंग, इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ड्यून बैशिंग को हम सब ने बहुत इंजॉय किया। बहुत ही थ्रिलिंग और फन एक्सपीरियंस था। इतने अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इट्स टोटली फन। ड्यून बैशिंग के बाद हमारे ड्राइवर ने गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट पे रोकी, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई, फोटोग्राफी की और हमने डेजर्ट की ब्यूटी को बहुत इंजॉय किया। ट्रस्ट मी, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप सिटी में कभी भी नहीं देख सकते, कभी भी फील नहीं कर सकते। डेजर्ट की एक अपनी वाइब है, एक अपनी खूबसूरती है। जब तक वहाँ जाएंगे नहीं आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। वीडियोस वगैरह बनाने के बाद हम सनसेट से थोड़ा सा पहले बेस कैंप में आ गए थे। बेस कैंप बहुत खूबसूरत स्टाइल में डेकोरेटेड था, टिपिकल अरबिक स्टाइल में सब उसका डेकोर था, सेटअप था। वहाँ पे बच्चों ने, हम सब ने कैमल राइडिंग की, जो कि पैकेज में इंक्लूडेड थी।
आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि कैमल राइडिंग तो पैकेज में इंक्लूडेड होती है, पर वहाँ पे वो जो स्पेशल फोटोग्राफी करते हैं वो पैकेज में इंक्लूड नहीं होती, उन पिक्चर्स के लिए आपको पे करना पड़ता है। कैंप में सबसे पहले उन्होंने हमें स्नैक्स सर्व किए जिसमें शवरमा था और थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ें थी, उसके साथ साथ फ्रेश लोकीमत भी बन रहे थे। उसके बाद कैंप में ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेज होती हैं जिसमें अरबिक डांस होता है, बैले डांस होता है, तनूरा डांस होता है, उसके अलावा फायर शो भी होता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। उसके बाद उन्होंने हमें खाना सर्व किया, खाने में बारबेक्यू था, डिफरेंट वेज और नॉन वेज डिशेज थी। फूड वॉज जस्ट ओके, लेकिन ऐसी जगह पर जब आप जाते हैं तो फूड इतना मैटर नहीं करता, वो एक्सपीरियंस, एम्बियंस और एटमोसफेयर बहुत मैटर करता है। उस चीज़ को हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और हमें बहुत मज़ा आया।
इट्स टाइम टू एंड आवर ट्रिप नाउ। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।